लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मॉड्यूल नंबर टू जीरो सिक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इन पोस्ट पा प्राइवेट स्कूल्स डियर स्टूडेंट्स मुझे इस इस मॉड्यूल में आपसे पाकिस्तान के पोस्ट प्राइवेट स्कूलों में लैंग्वेज डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है सो पोस्ट प्राइवेट स्कूल्स आर फेमस फॉर देयर गुड रेपूटेशन वो अपनी अच्छी रेपोटेशन की वजह से मशहूर हैं उनकी फी का जो रेंज है बहुत वसी है और हाई ट्यूशन फीस लेते हैं और एक्सक्लूसिव एडमिशन क्राइटेरिया फिर वो स्टूडेंट्स को बड़ी अली दर्जे की लगजरियस फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं और रिसोर्स की भी वाइड रेंज फ्राहम करते हैं और टू स्पोर्ट स्टूडेंट्स एजुकेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट तो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से आप पोश स्कूलों में यहाँ आप देखें तो बीकन हाउस है सिटी स्कूल है यहाँ और भी जो इंटरनेशनल चेंज भी हैं बस अमेरिकन स्कूल्स हैं या शोफ़ात स्कूल है तो ये इस तरह के स्कूल्स हैं जो बहुत पोश स्कूल्स हैं और यहाँ फ़ीस की रेंज भी बहुत यानी फीस भी बहुत हाई है लेकिन फैसिलिटीज़ भी उसी लिहाज से वो स्टूडेंट्स को फ्राहम करते हैं एजुकेशन के साथ साथ उनकी लैंग्वेज भी डिवेल्प करते हैं सो सबसे पहली बात लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट तो वो जो पोश स्कूल हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट फ्राहम करते हैं और टू तो फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स है एक्सेस टू वाइटी ऑफ रिसोर्स तो तरह तरह के रिसोर्स के साथ वो आ, उनको एक्सेस हासिल होती है और स्टूडेंट्स की वैकैबलरी डिवेलपमेंट करने के लिए सेंटेंसेज के लिए या कुछ और इस तरह की जो भी है आ, फिर लैंग्वेज मॉडल्स और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिसज़ तो उनको लैंग्वेज डिवेलपमेंट के लिए लैंग्वेज लेबॉर्टरीज़ और इस तरह की जो प्रैक्टिसज हैं रिसोर्स फ्राहम किए जाते हैं स्मॉल साइज़ क्लासरूम और इंडिविजुअलाइज इंटेंशन ये जो पोस्ट स्कूल हैं एनेबलिंग टीचर्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन टू ई स्टूडेंट क्योंकि इनकी क्लास रूम साइज़ कम होता है और टीचर इंडिविजुअल अटेंशन दे सकता है बच्चों को और टीचर मॉडिफाई द टीचिंग फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स तो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक वो अपनी लैंग्वेज अपनी टी, टीचिंग स्ट्रेटजीज को लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए वो चेंज कर सकता है और वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स सो दे हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन लैंग्वेज टीचिंग एंड पैदागॉजी एनश्योरिंग हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स पाकिस्तान में जो ब्रिटिश काउंसिल है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रही है ये जो पोज स्कूल हैं ये अपने टीचर्स को ब्रिटिश कौंसिल से या इस तरह के और इदारों से वो अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दिलाते हैं और जिससे उनका मतलब है वहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से अहम वो फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम्स uh, ये जो पोज स्कूल हैं मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ फ्राम करते हैं मल्टीपल लैंगवेज़ एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट कल्चर्स के साथ उनका एक्सपोयर कराते हैं और इन्हेंस देर कागनेटिव एबिलिटीज़ तो इसका लाजमी नतीजा ये होता है कि उनकी कागनीटिबिलिटीज़ यानी उनकी जहनी जो सालाहितें हैं वो डिवेल्प होती हैं और वो उनको वैल्यूएबल कम्युनिकेशन स्किल से एकप करते हैं और मेरे कुलीग हैं उनका बच्चा बीकन और उसमें शायद क्लास वन में पढ़ता है लेकिन आप यकीन जाने कि वो इतनी फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलता है कि हैरान रह जाता है बंदा कि देखें यानी इस तरह यानी क्लास वन में वो उनको इस तरह की स्पोकन पे इस तरह वो तोजो दे रहे टेक्नोलॉजिकल इंटरग्रेशन ये स्कूल जो हैं पोस्ट स्कूल है ये टेक्नोलॉजी को इंटरग्रेट करते हैं एम्फसिस करते हैं इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और एप्स हैं डिजिटल रिसोर्स हैं सॉफ्टवेयर हैं और इंटरएक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं टू एंगेज स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़ तो स्टूडेंट्स को लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए वो इस तरह के इंटरएक्टिव मीडिया और एप्स यूज़ करते हैं एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस तो एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस एंडरिच स्टूडेंट्स लैंग्वेज डिवेलमेंट जैसे ड्रामा म्यूजिक आ, आर्ट एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स इसमें भी मतलब वो आ, वो फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तो डिफरेंट कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो फैसिलिटीज़ फ्राम करते हैं पेरेंटल इन्वॉलमेंट पेरेंट्स

एंड एवेल्यूएशन प्रैक्टिस इंक्लूडिंग फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असैसमेंट टेक्निक्स, पोर्टफोलियो बेस्ड असमेंट यानी उनसे पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से और स्टैंडर्डाइज टेस्ट और लिए जाते हैं फॉर्मेटिव असमेंट टू ट्रैक देअर प्रोग्रेस और आइडेंटिफाई एरियाज फार इंप्रूवमेंट और उनके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके इनके लिए इंप्रूवमेंट की जाती है तो ये थे पोश स्कूलों में लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस पर जो मैंने आपको तफसील से बताया